घरेलू हिंसा की बढ़ती घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पिछले दिनों पति के द्वारा अपनी पत्नी के हाथ पैर काटे जाने की घटनाओं को लेकर कड़ा कानून बनाने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने इस तरह की घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश के DGP को निर्देशित किया है कि वह इन्हें विशेष प्रकरण मानकर धारा 307 के अलावा अन्य कड़ी कार्रवाई भी करे और इस तरह के केस को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर पीड़ितों को न्याय दिलवाने का काम करे। पिछले 15 दिन में 3 ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिन्होंने मुझे झकझोर दिया है, अंदर से हिला दिया है। 3 बहनों के 15 दिनों में हाथ काटे गए, पति ने काटे, ये घरेलू हिंसा का मामला बेहद गंभीर है और मुझे लगता है कि आज भी बहनें कहाँ स्वतंत्र हैं। मैंने इन मामलों को बहुत गंभीरता से लिया है। आज DGP को मैंने निर्देश दिए कि चिन्हित अपराध मान के जिन्होंने हाथ काटे हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। भोपाल से MSTV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।